ନୂଆ ରୂପରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ମେମୋରିଆଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର 102 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସର ନବକଳେବର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ମେମୋରିଆଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आयोजित यह उद्घाटनी कार्यक्रम में स्वाधीनता संग्रामी परिवार सह 4 राज्यर मुख्यमंत्री भी शामिल थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम इतिहास एक प्रमुख स्मारकी होउछि जालियानावालाबाग। 102 वर्ष पूर्वे अर्थात अप्रैल 13, 1919 अमृतसर स्वर्ण मंदिर निकटवर्ती जालियानावालाबाग में 15 रु 20 हजार भारतीय एकत्रित होते समस्त सेठारे एक शांति सभार आयोजन करते। सभार स्वाधीनता संग्राम पर लड़ुवा नेता गिरफदारी और रॉयल्ट आक्ट को विरोध करा से समय इंग्रेज जनरल डायर प्राय 100 जन सैनिकों सेठारे पहुंची आखिबुजा गुड़ चाला कर एक गुली माड़ बर्तवाई बहुत लोक एक कूक को डेई पड़ते जहां एवं शहीद वेल नाम नामित कर पंजाब में तो शायद ही ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई गली है जहां शौर्य और सुरवीरता की गाथा न हो। गुरुओं के बताए रास्ते पर चलते हुए पंजाब के बेटे बेटियां माँ भारती की तरफ टेढ़ी नजर रखने वालों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी ये धरोहर और समृद्ध हो इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एक घटना रे 1000 लोगों की मृत्यु घटी एवं 1500 रु अधिक लोग आहत हुए। एवं से ही जालियानावाला बाग रे देश पाई प्राण बलि देइतिबा स्वाधीनता संग्रामी मानकु श्रद्धांजलि जणाई एही मेमोरियल रो नव कलेबर करा जायछि। रिपोर्ट अगस्त।